अच्छी बात आपने कही। मैं आपके मित्र सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपकी पार्टी इस निर्णय का विरोध क्यों कर रही है? ये तो बेहतर बात है कि मिलावटी चीजें बंद हों, और अगर नाम का उल्लेख होगा तो लोगों को क्लैरिटी होगी कि किसके हाथ का परोसा और किसके हाथ का बना खा रहे हैं। आपको एतराज किस बात का है सर? नहीं, इसी बात का एतराज है कि किसके किसने बनाया है और किसके हाथ में परोसा और कौन खा रहा है। अगर इसी में भेदभाव हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि अब हम जांच कराएंगे, ठीक है, कुछ बातें उसमें अच्छी भी हैं, अच्छी हैं कि जो होटल हैं, बड़े होटल हैं या ढाबे हैं जहां सीसीटीवी कैमरे लग सकते हैं, जो ग्लव्स पहन सकते हैं, जो मास्क लगा सकते हैं, वो लगाएं। लेकिन अब आप ठेले वाले से उम्मीद करें, आप कुलचे वाले से उम्मीद करें कि इस तरीके के वो कर सकते हैं, और फिर आवाज मेरी बार बार मुझे कॉल। नहीं, मैं ठीक कर रहा हूं, आप कंटिन्यू रहे, आप बोले से मैं ठीक कर रहा हूं। जो मिलावट को लेकर के जो आपने भी शुरुआती दौर में कहा कि जो लोगों का वीडियो जिस तरीके से आया है या आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है बालाजी के मंदिर में मिलावट का है या दूसरी जगह मिलावट का है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं, मैं चाहता हूं ब्रजेश जी एक सख्त कानून बने और मिलावट पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगे। वो किसी चीज में मिलावट हो, तेल में मिलावट हो, दूध में मिलावट हो, घी में मिलावट हो, खाने में मिलावट हो, किसी भी चीज में। और जिस तरीके की सब्जियां और मिलावट का हम आप खा रहे हैं, हमारा आपका समाज खा रहा है, इसीलिए बड़ी संख्या में ऐसी ऐसी बीमारियां आई हैं, कैंसर जैसी और भी बहुत बीमारियां हैं। एक और ये, जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक हम आप तो ये एक सख्त कानून बनाने जा रही है सरकार, आप सहमत हैं बन जाए? नहीं नहीं, ये सख्त कानून नहीं है, इसमें तो जाति ढूंढ रहे हैं, धर्म ढूंढ रहे हैं, नाम ढूंढ रहे हैं, उसमें स्वच्छता नहीं ढूंढ रहे हैं, पवित्रता नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो नाम ढूंढ रहे हैं। जब से 2024 से लोकसभा का, अब जैसे ये पता नहीं चल रहा आपका नाम सुनील साजन है तो आप किस कम्युनिटी के हैं, ये पता नहीं चल रहा, अब साजन के आगे कुछ लगे तो पता चले। नहीं नहीं, सवाल इस बात का नहीं, सवाल मैं ये कह रहा हूं कि इसमें राजनीति है जी, इसमें नाम केवल खोजे जा रहे हैं और नाम में भी जाति और धर्म खोजा जाएगा। अगर स्वच्छता खोजी जा रही है, पिछले आप 7.5 साल से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, 5 साल पूरे कर लिए और लगभग 2.5 साल ये पूरे कर लिए, एक पूरा विभाग है जो चेक करता है, वो कहीं से सैंपल लेकर के चेक कर सकता है। आप सख्ती करिए ना इंस्पेक्टर पे, जो ढाबे हैं उनसे सैंपल लाए और चेक करें, अगर मिलावट का है उसको जेल भेज दे। नेम प्लेट लगाओ, नाम लगाओ, सर्वोच्च न्यायालय ने डांटा उसके बावजूद भी, क्योंकि जब 24 में आप हार गए तो आप केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, धर्म पे जाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों धर्म पे जा, एक तरफ पिछड़े और दलितों को हिंदू नहीं मान रहे, अगर हिंदू मान रहे हैं तो फिर आप उनका आरक्षण कैसे छीन रहे हैं। तो ये जो भेदभाव है, थैंक यू सर, आपको लगता है कि भेदभाव है, तैयारी दिल्ली वाले कर रहे हैं, दिल्ली वाले विदाई की तैयारी कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ। थैंक यू सर, शुक्रिया, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, विदाई की तैयारी से डरे। थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया, मैं डिबेट के दूसरे